वेलकम बैक। देखिए, हम लोग ग्रुप थ्योरी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पे आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर वगैरह सब कुछ देख लिया, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी देखे थे। तो आज देखो, यहाँ से जो रिजल्ट आपको मिल रहा है ना, ये आपको ग्रुप थ्योरी में क्विक आपको क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स करने में आपको हेल्प करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं जो ग्रुप के ऑर्डर से हम लोग ये आउटपुट निकालते हैं के ग्रुप एबेलियन है या नॉन एबेलियन है, तो इस तरह का रिजल्ट पहले मैं आपको यहाँ पे पूरा लिख करके दिखा देता हूँ, ठीक है, आप इसको याद कर लो। और इसके बाद मैं आपको इसका क्विक प्रूफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप इसको भूलते हो तो आप बहुत ही आसानी के साथ में रिकॉल करवाओगे और जल्दी से आपको पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरीके से देखेंगे, काफी मजा आने वाला है। तो वन बाई वन देखते हैं हम लोग। देखो, जैसे यहाँ पे पहले रिजल्ट है, और ये रिजल्ट हम लोग डिस्कस किए थे पहले भी, क्या था कि अगर आपका जी नॉन एबेलियन है, ठीक है, और ग्रुप का ऑर्डर अगर P इंटू क्यू है। अब यहाँ पे देखिए, जो भी P Q लिया गया है ना, सारा क्या है, सारा प्राइम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, प्राइम है। और यहाँ पे P और Q दोनों अलग अलग प्राइम है। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर अगर P इंटू क्यू है और ग्रुप अगर नॉन अबेलियन है, तो इसके जो सेंटर में एलिमेंट होगा वो ओनली क्या होगा, वन होगा। आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था प्रूफ करके, अभी भी दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है, काफी जल्दी प्रूफ हो जाएगा। तो अगर आपका ग्रुप नॉन अबेलियन है, याद रखिएगा, ठीक है, और उसका ऑर्डर, चूंकि आपको पता है कि इस पे अबेलियन भी मिल सकता है ना, कोई भी ग्रुप का ऑर्डर है तो उस पे हमको अबेलियन भी मिल सकता है, ठीक है। हम लोग बात कैसे, मान लो कि मैं आपको बात करूं Z21 का, ठीक है, तो ये क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। तो यहाँ पे भी आप इसका देखिएगा ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका 21 है। 21 का मतलब क्या हो गया, 7 × 3, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट प्राइम में लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप Z6 दे सकते हो, Z6 क्या है, इसका ऑर्डर 6 है, 2 × 3। तो P इंटू क्यू में तो ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, कि जो कि आपका अबेलियन ग्रुप होगा। तो यहाँ पे अबेलियन ग्रुप की बात नहीं हो रही है, अगर अबेलियन होगा तो उसके इसमें जो सेंटर होगा, जो भी सेंटर होगा ग्रुप का, वो क्या होगा, उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर नॉन अबेलियन ग्रुप है और ग्रुप का ऑर्डर P इंटू क्यू फॉर्म में है, डिस्टिंक्ट प्राइम के प्रोडक्ट में है, तो उसके सेंटर में कितना एलिमेंट होगा, 1 एलिमेंट होगा, ठीक है। जितना बताते हैं उतना ही, और काउंटर करने के लिए अपने दिमाग को खोल के भी रखिए, ठीक है। नंबर टू यहाँ पे ये है कि अगर G हमारा फिर से अगर नॉन अबेलियन ग्रुप है और G का ऑर्डर अगर P^n है, प्राइम का पावर n, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो उसका सेंटर होगा ना ग्रुप का, उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, वो P भी हो सकता है और मल्टीपल ऑफ P भी हो सकता है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, एक से ज्यादा होगा। एक कब होगा, एक तब होगा जब ग्रुप का ऑर्डर P इंटू क्यू फॉर्म का होगा, ठीक है। तो ये अलग चीज है, और डेफिनेटली क्या हो रहा है यहां, ये जो है उससे अलग हो रहा है कि सेंटर में एक एलिमेंट से ज्यादा होगा अगर मेरा ग्रुप का ऑर्डर P^n फॉर्म का होता है, ठीक है। दोनों जो केस है वो नॉन अबेलियन का है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि अगर ग्रुप का ऑर्डर P² है, P का स्क्वायर, प्राइम का स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ये अबेलियन होता है, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको पता है, क्योंकि ये तो सबको याद रहता है कि अगर हमको प्राइम का स्क्वायर मिल गया तो वो अबेलियन है। ऐसे ही याद रखते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, जी का ऑर्डर अगर प्राइम है, ओनली पी है, तो क्या होता है, ये आपका यहाँ से जी आपका साइक्लिक हो जाता है। जैसे ये साइक्लिक के लिए कह सकते हो कि मजबूत हथियार है मेरे पास में, वैसे ही अबेलियन के लिए है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर कोई प्राइम का स्क्वायर है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, अबेलियन होगा, ठीक है। प्रूफ दिखा दूंगा मैं आपको, कोई इशू नहीं है। आगे देखो, अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम का क्यूब है, प्राइम का क्यूब है, और फिर से बात कर रहा हूं, अगर ये नॉन अबेलियन है, अगर ये क्या है आपका नॉन, क्योंकि अबेलियन होना, साइक्लिक सारा अबेलियन होता है, तो अबेलियन होना जो है बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, नॉन अबेलियन को हमको पकड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही बात हो रही है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यूब है और आपका ग्रुप नॉन अबेलियन है, तो उसके सेंटर में कितना एलिमेंट होगा, पी एलिमेंट होगा, यानी जो सेंटर है वो आपका क्या बनाएगा, एक साइक्लिक सब ग्रुप बनाएगा। सेंटर क्या होगा आपका, एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा, ठीक है। सेंटर की बात कर रहा हूँ, जेड जी, यानी सेंटर क्या होगा, साइक्लिक सब ग्रुप होगा। तो वन बाई वन देखते जाओ, पी इंटू क्यू का होगा, नॉन अबेलियन होगा तो सेंटर में एक एलिमेंट, P^n फॉर्म का होगा, ग्रुप का ऑर्डर नॉन अबेलियन होगा तो सेंटर में एक से ज्यादा एलिमेंट, पी या मल्टीपल ऑफ पी। अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम का स्क्वायर है तो नो डाउट इट इज अबेलियन। अगर ग्रुप का ऑर्डर पी का पावर क्यूब है और ये नॉन अबेलियन है, तो इसके सेंटर में पी एलिमेंट होंगे एग्जैक्टली, यानी ये एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा, ठीक है। आगे देख लो, फिर यहाँ पे 5 नंबर है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 2 × p होता है, यानी 2 × प्रोडक्ट होता है प्राइम के, जहाँ p आपका यहाँ पे ऑड प्राइम है, ध्यान दीजिएगा, हाँ p क्या है आपका, ऑड प्राइम। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम दो बात करेंगे, ये g मेरा अबेलियन होगा,
ठीक है, तो ये आइसोमोर्फिक होगा जी टू दी पावर 2p का, ध्यान देना है, यानी इसका ऑर्डर 2p, तो 2p ही इसका ऑर्डर है, तो अगर साइक्लिक होगा तो अबेलियन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अबेलियन वाला केस लेते हैं तो हमको ये साइक्लिक के आइसोमोर्फिक मिल जाएगा, और अगर ये नॉन अबेलियन होगा तो ये हमको डाइहेड्रल के आइसोमोर्फिक मिलेगा dp के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर ग्रुप का ऑर्डर 2p होता है और p आपका ऑड प्राइम है, ऑड प्राइम का मतलब समझ रहे हो, ठीक है, मतलब 2 को छोड़ करके 2 के अलावा, इसलिए कि अगर हम लोग 2 पे बात करेंगे, मान लो 2 होता, अगर p मेरा 2 होता तो यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाता, 2 × 2 यानी 4 हो जाता, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, यानी ये प्राइम का स्क्वायर वाला केस आ गया ये वाला, तो इसमें तो ये अबेलियन ही होगा वनली। ठीक है, तो इसके बाद की बात हो रही है, तो मैंने बोला था आपका अबेलियन होना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो नॉन अबेलियन का केस के लिए बात किया जा रहा है कि अगर पी आपका ऑड प्राइम यानी 2 को छोड़ करके है, तो वहां पे 2p के केस में अबेलियन भी हो सकता है, नॉन अबेलियन भी हो सकता है। ठीक है, अबेलियन अगर होगा तो जेड 2p के आइसोमोर्फिक होगा, और नॉन अबेलियन होगा तो ये dp के आइसोमोर्फिक होगा, जो कि एक डायहेड्रल ग्रुप है। नेक्स्ट देख लो क्या है, सिक्स नंबर में बोलता है कि अगर आपका जेड p × q का फॉर्म का है, तो यहाँ पे दो केस हो सकता है, ये p और q क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम है, अगर p आपका डिवाइड करता है q−1 को तो g क्या होगा, g अबेलियन भी होगा और नॉन अबेलियन भी होगा, दोनों तरह का हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर जेड 21 होगा जिसका ऑर्डर कितना है 21 है, तो इस केस में ये 3×7 है, तो ये तो एक साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक है यानी अबेलियन है। ठीक है, जबकि हम लोग ये भी जानते हैं कि 21 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो नॉन अबेलियन भी होता है। ठीक है, 21 ऑर्डर ग्रुप इज नॉन अबेलियन, ग्रुप इज नॉन अबेलियन। ठीक है, तो मतलब बोलना ये है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कि अगर 2p का फॉर्म है तो इस केस में अबेलियन मिलेगा तो इसका आइसोमोर्फिक, नॉन अबेलियन मिलेगा तो इसका आइसोमोर्फिक, यानी दोनों मिल सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर p × q का फॉर्म है तो दोनों मिल सकता है, अगर p डिवाइड करेगा q−1 को, और अगर p डिवाइड नहीं करता q−1 को तो डेफिनेटली क्या करेगा जी, आपका अबेलियन मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो सारी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको क्विकली एग्जाम में हेल्प करती हैं। अब आप इसको प्रूफ कैसे कर सकते हो आसानी के साथ में, तो मैं आपको ये 1x1 प्रूफ भी करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर हम क्विक प्रूफ की बात करें तो देखो इसके लिए जो बहुत बड़ा हथियार है मेरे पास में, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, वो क्या है, वो है मेरे पास में, चूंकि मोस्टली आपको देखिए यहाँ पे नॉन अबेलियन के लिए बात करना है, तो नॉन अबेलियन के लिए अगर आपका ग्रुप क्या है, नॉन अबेलियन है, तो मेरे पास में बहुत ही स्ट्रांग हथियार है, वो क्या है, वो ये है कि जो सेंटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो प्रॉपर सब ग्रुप होता है नॉर्मलाइजर का, और ये प्रॉपर सब ग्रुप होता है किसका, ग्रुप का। ठीक है, नॉन अबेलियन के लिए डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ सेंटर होता है वो लेस देन होता है ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर से, और ये लेस देन होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप से। ये सीक्वेंस आपके लिए काफी है, अगर आप प्रूफ को समझना चाहते हो और आप याद रखना चाहते हो तो आपको ये लॉजिक का काम भी करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि नॉन अबेलियन के लिए, अगर अबेलियन होता तब तो नो डाउट सारे ही इक्वल हो जाते। ठीक है, अबेलियन में सेंटर का ऑर्डर, नॉर्मलाइजर का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर सब बराबर होता है। ठीक है, उसको नहीं, तो नॉन अबेलियन के लिए, तो यहाँ पे चूंकि नॉन अबेलियन की बात की गई है, तो अगर मैं ग्रुप का ऑर्डर PQ ले लूं, ठीक है, तो चूंकि ये स्ट्रिक्टली लेस देन वाला केस है, तो क्या होगा, तो देखिए ग्रुप का ऑर्डर PQ लगा दिए, ठीक है, इससे छोटा लेना है, और ध्यान दीजिएगा कि सारा सब ग्रुप है, यानी क्या, यानी इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा और इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो आपको डिवाइजर लेना है, तो PQ से छोटा इसका डिवाइजर P हो सकता है या Q हो सकता है। ठीक है, और इससे छोटा क्या होगा, आपका 1 होगा। अब आप ये मत बोलने लगना कि सर हो सकता है कि P से बड़ा हो Q, तो यहाँ पे अगर हम Q लेंगे तो यहाँ पे P लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए दोनों प्राइम है, तो प्राइम डिवाइजर भी होना चाहिए, तो PQ का डिवाइजर P हो सकता है, लेकिन फिर P का डिवाइजर सिर्फ 1 ही होगा, है ना, Q नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग प्राइम है। या तो ये केस हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि आपको ग्रुप का ऑर्डर PQ होगा, इससे छोटा आपका Q होगा और इससे छोटा आपका 1 होगा। तो दोनों केस में अगर हम ले लें, ठीक है, दोनों जो ये केस सज रहा है PQ के लिए, तो उन दोनों केस में आप देख रहे हो कि जो ZG है, ZG का ऑर्डर क्या दिखा रहा है आपको, कन्फर्मली 1 दिखा रहा है दोनों केस में। ठीक है, तो आपका क्या होगा, सेंटर का ऑर्डर 1 होगा, बिल्कुल इस सीक्वेंस से आप विद इन द मिनट प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो इसका बात करते हैं PN वाला, कि अगर नॉन अबेलियन है, ऑर्डर PN है, तो इसमें बोल रहा है कि जो सेंटर है उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, P हो सकता है या मल्टीपल ऑफ P हो सकता है। ठीक है, मैं इसका प्रूफ आपको दिखाता हूँ, बहुत ही आसानी के साथ में हम लोग प्रूफ कर पाएंगे इसको, और काफी जल्दी इसका प्रूफ हो जाएगा। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, इधर मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ इस तरफ, चलो तो देखो यहीं पे इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए अब ये है कि बात वहीं से हम लोग शुरू करेंगे,
आपको ये गिवेन दे रखा है, क्या है नंबर टू का प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। गिवेन आपको दे रखा है कि जो ऑर्डर ऑफ जी है वो क्या है जी, वो पी टू द पावर एन है, ठीक है। अब चूंकि ये होता है कि नॉन अबेलियन है एंड जी क्या है आपका, जी इज नॉन अबेलियन। जी अगर मेरा नॉन अबेलियन है तो डेफिनेटली क्या करेगा, ये इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा कि जो सेंटर ऑफ जी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसका ऑर्डर लेस देन होगा नॉर्मलाइजर ऑफ ए से, और इसका सेंटर इसका जी से लेस होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं सपोज कर लेता हूं ना कि जो नॉर्मलाइजर है उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, वो क्या है, वो पी टू द पावर एम है, ठीक है, सच दैट के पी का पावर एम क्या करता है, डिवाइड करता है पी का पावर एन को। चूंकि आप जो भी लेंगे ऑर्डर वो डिवाइडर होना चाहिए ग्रुप का, ठीक है, चूंकि ये सब ग्रुप है, तो सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप देखिए अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आएंगी वो आपको बिल्कुल आसानी से ध्यान में रखना है, ठीक है। कैसे, तो पहले मैं ये देख लेता हूं कि अगर मैं क्लास ए की बात करूं, ठीक है, क्लास ए का ऑर्डर क्या आएगा, हम लोगों ने पढ़ा था इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाई नॉर्मलाइजर का ऑर्डर, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर आपका है पी टू दी पावर एन है, और ये है आपका पी टू दी पावर एम, ठीक है, इसको हम लिखेंगे ऐसे पी टू दी पावर एन माइनस एम। यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि जो एन माइनस एम है ना वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पी एम क्या करता है, डिवाइड करता है पी एन को, यानी एम जो है एन से छोटा है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास इक्वेशन, क्लास इक्वेशन क्या होता है, तो क्लास इक्वेशन का जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको लिखिए यहाँ पे, क्लास इक्वेशन होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर प्लस क्या समेशन जो है ए नॉट बिलोंग्स टू जेड जी, और यहाँ पे आपका होता है क्लास ए का ऑर्डर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखें ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या है, जी का ऑर्डर पी का पावर एन है, इसका ऑर्डर अभी छोड़ दीजिए चूंकि इसी पर हमको बात करना है, प्लस अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ क्लास इक्विवेलेंस क्लास ए के आया है, पी का पावर एन माइनस वन आया है, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं ए नॉट बिलोंग्स टू जेड जी पी टू दी पावर एन माइनस एम, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात करनी है, वो ये कि चूंकि यहाँ पे आपको जो समेशन लेना है वो लेना है ओवर दोज एलिमेंट विच आर नॉट इन सेंटर, तो सेंटर में कितना एलिमेंट नहीं है ये तो हमको पता नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि सेंटर में जो है इस तरह का क्यू एलिमेंट नहीं है, ठीक है, लेट क्यू एलिमेंट्स इज नॉट इन जेड जी, है ना, जेड जी में मान लेते हैं कि क्यू एलिमेंट नहीं है, मतलब कि ए के जैसा, ए तो एक पीस हुआ तो इसी के जैसा क्यू एलिमेंट इसमें नहीं है, हा? तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका पी टू द पावर एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर प्लस, अब इसको सम करेंगे हम अप टू क्यू टाइम्स, तो क्या आ जाएगा, क्यू इन टू आ जाएगा पी का पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए कुछ करना नहीं है, यहां से आप निकाल लो कि आपका सेंटर क्या आता है, तो सेंटर हमारा आ जाएगा p टू द पावर n माइनस क्यू पी टू द पावर n माइनस m, ठीक है। यहाँ पे q ध्यान दीजिएगा, q क्या है, q मेरा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, चूंकि एक संख्या है क्वांटिटी है, तो यहां से अब मैं अगर p को कॉमन निकालूं, p टू द पावर यस p को कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या आ जाएगा, तो p टू द पावर n माइनस वन आ जाएगा इंटू माइनस क्यू इंटू p टू द पावर आपका आ जाएगा n माइनस m माइनस वन, चूंकि p तो दोनों में कॉमन है ही, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सेंटर का मेरा ऑर्डर आया है ना यहाँ पे मेरा जो सेंटर का ऑर्डर आया है वो क्या आया है, वो पी इंटू समथिंग आया है, ना डेफिनेटली जो सेंटर का ऑर्डर है वो पी से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तो वन से बड़ा ही होगा, ये पी से बड़ा होगा, तो पी से बड़ा होगा सेंटर का ऑर्डर, चूंकि ये डिवाइजर है किसका, नॉर्मलाइजर का, ठीक है, तो पी एम जो भी होगा ये जो भी होगा, मान लेते हैं कि ये ए है, ठीक है, तो या इसको कुछ नाम दे देते हैं, सपोज करते हैं कि ये मेरा जो है मान लो जो है एस है, ठीक है, तो ये जो भी एस होगा ये क्या होगा, ये डिवाइड करेगा किसको, जो हम लोगों का नॉर्मलाइजर का ऑर्डर था पी का पावर एम को, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, तो यानी कि प्राइम आ रहा है, ठीक है, एस आ रहा है, एस डिवाइड कर रहा है पी एम को, और नो डाउट ये वन से ग्रेटर है, ठीक है, जो कि पी एक प्राइम है, और यहाँ पे जो हम लोग प्राइम ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो कम से कम टू ही होगा, प्राइम नंबर है ना, तो ये आपको एक से बड़ा आने वाला है, बहुत आसानी के साथ मैं आपने इसका प्रूफ देख लिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि आप बहुत ही जल्दी आप रिकॉल कर पाएंगे सारी बातों को अगर आप भूल जाते हैं, तो यहाँ पे ये भी बात आ गई कि अगर आपका जी नॉन एबिलियन है, पी टू द पावर एन है इसका ऑर्डर, तो उसका सेंटर में एक से ज्यादा एलिमेंट होगा, ठीक है। नंबर थ्री देखो, एबिलियन वाला केस भी आप इसी से प्रूफ कर सकते हो, मैं थोड़ी देर के लिए
इसको ऐसे प्रूफ करता हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ मैं कि लेट मेरा जी क्या है, इज नॉन एबिलियन। जी को हम मान लेते हैं कि भाई ये क्या है, ये नॉन एबिलियन है, ठीक है। अगर ये नॉन एबिलियन होगा तब तो ये इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा, ठीक है। और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग में क्या हमको मिलेगा, तो जी आपको लेना है पी स्क्वायर, ठीक है। जी का ऑर्डर क्या है, पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर से छोटा और डिवाइड करने वाला प्राइम प्राइम होगा, ठीक है जी। और इससे छोटा और इसको डिवाइड करने वाला वन ही हो सकता है, ठीक है। यही चीज होगा, बात समझिएगा अच्छे से। हाँ, तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं कि अगर जी का ऑर्डर पी का पावर एन होता है, ये भी चूंकि पी का पावर एन का फॉर्म है, तो उस केस में जो सेंटर में एलिमेंट है वो एक से ज्यादा होना चाहिए, जबकि यहां पे जो सेंटर का एलिमेंट है वो एक आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, चूंकि आप नॉन अबिलियन अगर लेते हो तो नॉन अबिलियन के लिए आपका रिजल्ट टू फॉलो किया जाएगा और सेंटर में एक से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, बट आप नॉन अबिलियन भी ले रहे हैं और सेंटर में एक ही एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मिल गया कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस सपोजिशन में कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे मेरा जी क्या होना चाहिए, अबिलियन होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आप बोलेंगे कि और कोई सीक्वेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। आप बोलोगे भाई सेंटर में कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ना, ठीक है, ट्रिवियल होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो एक तो कम से कम आपको लेना है, तो अब आप कोई बोलोगे कि मैं सर पी स्क्वायर लेता हूँ फिर डायरेक्ट एक ले लेता हूँ, तो इधर क्या लीजिएगा। तो इस तरह का नॉनसेंस वाला काम नहीं करना है, कम से कम एक तो लेना ही है, और अगर एक ही है तब तो फिर वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, चूंकि नॉन अबेलियन और ग्रुप का ऑर्डर पी का पावर एन, तो इस केस में सेंटर में एक से ज्यादा एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो अगर एक ही एलिमेंट आ रहा है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है हमारे सपोजिशन का, ठीक है। तो ये आपका अबेलियन हो जाएगा, बिल्कुल क्विक आप प्रूफ कर पाएंगे। मैंने आपको बताया ये सीक्वेंस याद रखिए, सब प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। पी का पावर क्यूब पे बात किया जा रहा है कि अगर पी का पावर क्यूब है, ठीक है, तो इसके सेंटर में कितना होगा, पी एलिमेंट होगा, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं आसानी के साथ में, बस इसी को हम लोग देखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ही प्रूफ, ठीक है। चलो इसका प्रूफ इधर देख लेते हैं। अगर हम मान लें, सपोज करें कि क्या है जो जी है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर लिया गया है कितना था, पी का पावर क्यूब, यस, ठीक है ना। अगर जेड अगर जी का ऑर्डर अगर पी का पावर क्यूब है तो हम लोग को बताया गया कि क्या होगा, जी आपका नॉन अबिलियन है, भी ध्यान देना है, जी इज नॉन अबिलियन, जी हमारा नॉन अबिलियन है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो सेंटर है, सेंटर उसमें क्या आ रहा है, पी एलिमेंट आ रहा है, यानी एक साइक्लिक ग्रुप बनाएगा, ठीक। तो बहुत आसानी के साथ में फिर से, क्योंकि आपको पता है कि जो सेंटर है, ठीक है, वो आपका नॉर्मलाइजर से छोटा होगा और ये जो है आपका वो ऑर्डर से छोटा होगा। अब देखो अगर ये पी क्यूब है तो ये पी स्क्वायर ले सकते हो, तो आपका ये फिर पी ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे आपके पी तो बिल्कुल क्विकली आ जाएगा, तो बिल्कुल आसानी के साथ में आप देख पाओगे कि जेड में हमारा सेंटर में क्या है, पी एलिमेंट है। तो आई होप आपको, देखो अब रिजल्ट याद रखने में आपको आसानी होगा, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना है, हम लोग क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट और रिजल्ट है, इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। बहुत तरह के भी रिजल्ट्स आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। पढ़ते रहो, इंजॉय करो। पूरा कोर्स करना चाहते हो तो मेरा एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहां से आप कोर्स को पढ़ सकते हो, मैं आपके डाउट्स भी देख लूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।